अरे अशोक, अरे रमेश, आ जाओ आ जाओ। भैया तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें खेतों में ढूंढ रहा था। अरे आओ भाई, आओ आओ। क्या कर रहे हो भैया, मोबाइल फोन पर है बिटिया के साथ? लगता है कोई गेम खेल रहे हो। आओ भाई, खुद ही देख लो, कोई गेम वेम नहीं चल रहा है। वो तो गुड़िया सरकारी योजनाओं की जानकारी दिखा रही थी। जा बिटिया, ताऊ के लिए पानी ले आ, जा बैठो बैठो, बैठो। भाई बड़ी जानकारी रखते तुम तो। तुम्हारे खेतों से होके आ रहा था है। जिस तरह तुम्हारी धान की फसल तैयार हो रही है ना, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। नहीं भाई, कुछ खास नहीं। अरे तुमने तो सब देखा ही है, हमने इकट्ठे तो लिया बीज खाद और वो दवाइयां भी, तुम्हारे सामने ही खेतों में डाला सब कुछ। हाँ बस इस बार फर्क ये है कि मैंने अपने खेतों में सल्फर भी डाली है, बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर? हाँ, आओ आओ, चलो दिखाता हूँ। आओ आओ, चलो उठो। देखो ये है बेंटोनाइट सल्फर। पहले तो कभी नहीं डाली तुमने ये बेंटोनाइट सल्फर। हाँ सही कह रहे हो तुम, ये मैंने पहली बार ही डाली है और इसका परिणाम देखने के बाद मैं यही सलाह दूंगा कि और किसानों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। पर बेंटोनाइट सल्फर के बारे में तुम्हें किसने बताया और इसको डालने का तरीका किसने समझाया? बताता हूँ। अरे भाई उस दिन जब तुम अपनी ससुराल गए थे साले की शादी में, उसी दौरान गांव के अंदर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लोग अपनी मोबाइल मिट्टी परीक्षण गाड़ी लेकर आए हुए थे। उस कार्यक्रम में मैं भी गया था। उसी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका बताया और उसकी जांच कराने की सलाह दी। बस मैंने भी मौके का फायदा उठाया, अपने खेतों से मिट्टी का सैंपल लिया, उसकी निःशुल्क जांच कराई। लो पानी पियो। और भैया जब मिट्टी परीक्षण का रिपोर्ट कार्ड आया, जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, तब मुझे पता लगा कि हमारे खेतों की मिट्टी में तो सल्फर की कमी है। भैया सल्फर डालने से फसल में क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़ा बताओ तो सही। देखो भैया, जब मिट्टी में सल्फर की पर्याप्त मात्रा होती है ना, तो फसल की बढ़वार तेज और अच्छी हो जाती है, मिट्टी में सुधार होता है और फसल का रोगों से बचाव होता है। और एक खास बात यह है कि इससे तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है और दलहनी फसलों तथा गेहूं धान वगैरह में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, आलू और कंद फसलों में स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसके इतने फायदे हैं तो जाहिर है बाजार में फसल का दाम भी बढ़िया ही मिलता होगा। जब फसल की गुणवत्ता बढ़िया होगी तो बाजार में दाम तो बढ़िया मिलेगा ही और कमाई भी ज्यादा होगी। वो तो है। क्या पौधे को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि इसमें सल्फर की कमी है? हाँ, अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और खेत में पहला लक्षण है ये सल्फर की कमी देखने का। सल्फर को खेत में डालने का तरीका क्या है? सल्फर को बुआई के समय खेतों में डाला जा सकता है। आमतौर पर ये एक एकड़ के अंदर लगभग 8 किलोग्राम डाली जाती है। बाकी सॉइल हेल्थ कार्ड में जितनी कमी बताई गई हो उसके अनुसार ही डालना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सल्फर को किन किन फसलों में डाला जा सकता है? बहुत सी फसलें हैं भाई, सभी तिलहनी और दलहनी फसलों में तो इसका उपयोग किया ही जा सकता है। इसके साथ साथ अन्य फसलों जैसे कि गेहूं, धान, बाजरा, मक्का आदि में भी सल्फर का उपयोग होता है। इसके अलावा सब्जियों की फसलों में भी सल्फर डालने से अच्छी पैदावार मिलती है। हाँ लेकिन इसकी जरूरत का सही अंदाजा सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट को देखकर ही लगाया जा सकता है। भैया तुम्हारे पास तो खूब सारी जानकारी है बेंटोनाइट सल्फर की। मुझे तो तुम डॉक्टर ही दिख रहे हो। अरे नहीं भैया, मैंने भी ये जानकारी एक कार्यक्रम में प्राप्त की है। अभी पिछले दिनों ही प्रधान जी मुझे NFL द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र ले गए थे। वहाँ कृषि विशेषज्ञों ने इस बारे में काफी विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि हमारे खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ अक्सर सल्फर की भी कमी पाई जाती है और हमें इस ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम सभी को NFL के लोग एक प्रदर्शन प्लाट पर ले गए, जहां हमने फसल पर बेंटोनाइट सल्फर का अच्छा प्रभाव देखा था। बस इसको देखने के बाद मैंने भी बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करने का मन बना लिया। ये NFL का प्लांट पानीपत में भी है ना? हाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद NFL के अधिकारी हम लोगों को पानीपत का प्लांट भी दिखाने ले गए थे। और सुनो, वहां पर हमने बेंटोनाइट सल्फर को भी बनते हुए देखा और वहीं पर हमने ये नीम लेपित यूरिया भी बनते हुए देखा। अरे भैया बहुत बड़ा प्लांट है वो। अच्छा ये बताओ, वहाँ प्लांट में कैसे बन रही थी बेंटोनाइट सल्फर? वैसे तो भैया वहाँ मशीनों द्वारा ही सब कुछ हो रहा था और प्लांट वालों ने वहीं हमें ये समझाया कि सल्फर को खेतों में डालने लायक बनाने के लिए इसमें बेंटोनाइट मिलाया जाता है।
भाई इसमें 90% सल्फर तथा 10% बेंटोनाइट होता है। हमने देखा वहाँ पर किसान बेंटोनाइट सल्फर मशीनों द्वारा 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम की पैकिंग में भरा जा रहा था। और हाँ, लौटते समय हमें NFL के किसान सुविधा केंद्र ने बेंटोनाइट सल्फर के कुछ पैकेट भी दिए। अच्छा ये बताओ, किसान बेंटोनाइट सल्फर बाजार में आसानी से तो मिल जाती है ना? अरे क्या बात कर रहे हो, तुम किसान ब्रांड की कोई भी खाद, बीज या कीटनाशक बाजार से आसानी से ले सकते हो। NFL हर तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध करा रही है। पूरे देश में NFL के डीलर हैं जहां ये सारी चीजें आसानी से मिलती हैं और हर तरह की पैकिंग में उपलब्ध हैं। भैया जैसा तुमने बताया उसके हिसाब से NFL किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। मिट्टी का मुफ्त परीक्षण भी करा दिया, अपना प्लॉट भी दिखा दिया, किसान सेवा केंद्र में ले जाके वैज्ञानिकों से जानकारी भी दिला दी। हाँ ये बात तो है भैया, NFL किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। अरे इसीलिए तो इस कंपनी का आज देश में इतना बड़ा नाम है और इसके किसान ब्रांड की इतनी पहचान है। हाँ।